हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ढाई सौ क्लासेस। तुम्हारे डियर फ्रेंड, आप सबको पता है कि इस चैनल पे मैं डेली 15 से 20 मिनट के एक डालता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो साथ ही आगामी एग्जाम बहुत पास में आ चुकी है, जैसे कि पता है MPTO है, DRDO तथा UPSC TG2। दोस्तों, उन सबके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सबको पता है कल मैंने आपको इस चैनल पे ट्रांजिस्टर पढ़ाया था, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट मानते थे साथियों बता दिया था। तो आज मैं लेके आया आपके लिए प्रवर्धक एम्पलीफायर। तो जानते हैं एम्पलीफायर क्या हो रहा है, मतलब कैसे कार्य करता है। तो साथियों, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है प्रवर्धक। देखिए साथियों, प्रवर्धक लिखा, प्रवर्धक मीन्स होता है एम्पलीफायर, मतलब एम्पलीफायर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है साथियों, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देख पा रहे माय डियर फ्रेंड आप इस पे, कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो किसी सिग्नल की धारा तथा वोल्टेज तथा पावर में वृद्धि करके अधिक आउटपुट प्रदान करे, उसे एम्पलीफायर परिपथ या एम्पलीफायर कहा जाता है, या फिर यह एम्पलीफायर कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन अपना, कि एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन, एम्पलीफायर का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है साथियों। यहाँ पे दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए साथियों, आउटपुट के आधार पर। तो वो होता है वोल्टेज एम्पलीफायर, धारा एम्पलीफायर तथा पावर एम्पलीफायर। ठीक है, सेकंड देखिएगा, संयोजन कनेक्शन के आधार पर क्या होता है, कॉमन ईमीटर, कॉमन बेस तथा कॉमन कलेक्टर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है इसमें साथियों, देख पा रहे हैं आप थर्ड वाला, फ्रिक्वेंसी के आधार पर। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कि जो फ्रिक्वेंसी के आधार पर होता है ना, तो इसमें देखिए ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर तथा अति उच्च यो परा उच्च एम्पलीफायर। तो खास करके साथियों, ऑडियो फ्रिक्वेंसी तथा इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी तथा रेडियो फ्रिक्वेंसी, इनकी क्या पूछता है, वो आवृत्ति पूछता है, कितने से कितने के बीच में होती है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, कपलिंग के आधार पर। तो जो कपलिंग होता है ना, उसके आधार पे देखिए क्या लिखा हुआ है, RC कपल्ड एम्पलीफायर, MP डेंस कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक, आगे देखिए साथियों और क्या बोलना चाह रहा है इसमें, बोलना चाह रहा है देखिए, फीडबैक के आधार पे क्या होता है, वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर, धारा फीडबैक एम्पलीफायर। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें इनपुट के आधार पर लघु सिग्नल एम्पलीफायर तथा विशाल सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है, और आगे क्या बोलना चाह रहा है साथियों, देख पा रहे हो, शक्ति प्रवर्धक पावर एम्पलीफायर। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि अब क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो इसको चार भागों में बांटा गया, किसको, पावर मतलब होता है शक्ति प्रवर्धक एम्पलीफायर। तो इसके देखिए इन्होंने बोला है कि इसको निम्न चार भागों में बांटा गया है, जो क्या निम्न है, शक्ति प्रवर्धक के नाम क्या क्या होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन उठ के आता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए अवर्ग प्रवर्धक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका अवर्ग प्रवर्धक, इसमें देखिए क्या होता है, इसने बताया है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि इनपुट के एक चक्र के सापेक्ष आउटपुट सिग्नल का भाग कितना होता है साथियों, पूर्ण चक्र का 360 डिग्री होता है। कब, ए शक्ति प्रवर्धक होगा तब, तथा देखिए बी शक्ति प्रवर्धक में अर्धचक्र अर्थात 180 डिग्री का होता है इसमें, तथा ए भी शक्ति प्रवर्धक में अर्धचक्र से अधिक परंतु चक्र के कम 180 डिग्री और 160 के मध्य होता है, तथा सी शक्ति प्रवर्धक के लिए अर्धचक्र से कम अर्थात 180 से कम। देखिए साथियों, पहले में आएगा 360 आ जाएगा पूर्ण चक्र अर्थात 360 ए में, बी में आएगा 180, सी में क्या आ जाएगा 180 और 360 के मध्य, और सी में क्या आ जाएगा 180 से कम। साथियों याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे देखिए RC युग्मित एम्पलीफायर क्या होता है, इसके बारे में भी जरा जान लेते भी है क्या बोलना चाह रहा है। देखिए PDF क्या बोल रहे हैं, जिस एम्पलीफायर परिपथ में एक ट्रांजिस्टर स्टेट से दूसरी ट्रांजिस्टर स्टेज को वैद्युतिक संकेत प्रतिरोधकों एवं संधारित्र के द्वारा पहुंचा जाता है, तो वह RC। देखिए इसमें बहुत अच्छे से लिखा है, RC का मीन्स आपको समझ में ही आ जाएगा। पहली बात तो देखिए, पहला क्या बोल रहा है वो, कि प्रतिरोधक R तथा C मतलब संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, के द्वारा पहुंचा जाता है, तो RC युग्मित है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, RC युग्मित रखा गया, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर है ना, के द्वारा क्या होता है पहुँचाया जाता है, क्या पहुँचा जाता है दोस्तों, वैद्युतिक संकेत को। तो वह क्या कहलाता है, RC युग्मित एम्पलीफायर कहलाता है, जैसा नाम वैसे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब देखेंगे माय डियर फ्रेंड DC एम्पलीफायर क्या कहलाता है। ठीक है, अब DC एम्पलीफायर क्या होगा जानते हैं, इसके बारे में पता होगा आपको। ठीक है, देख लीजिएगा इसमें क्या बोलना चाह रहा है, तो
यह बोलना चाह रहा है, यह डीसी का अर्थ है, यहाँ डीसी का अर्थ है डायरेक्ट कपलिंग, अर्थात इस एम्पलीफायर परिपथ में कोई युग्मन अवयव प्रयोग नहीं किया जाता और एक ट्रांजिस्टर स्टेज से दूसरी ट्रांजिस्टर स्टेज को वैद्युतिक संकेत सीधे ही चालक के द्वारा पहुँचा जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर चौक या संधारित्र प्रयोग नहीं किए जाते। इसका उपयोग निम्न आवृत्ति क्वेश्चन पूछता है, बनता है कि जो अपना डीसी कम एम्पलीफायर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग माय डियर फ्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका उपयोग निम्न आवृत्ति एसी संकेत 10 हर्ट्ज से कम तथा डीसी संकेतों के एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, पावर एम्पलीफायर, शक्ति एम्पलीफायर क्या होता है, जो कि यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, जो एम्पलीफायर परिपथ संकेत की शक्ति वाट में बोला ना, क्योंकि पता है पावर की शक्ति क्या होती है, वाट होती है, आपको पता होगा, ठीक है। या फिर इसको बोलते साथियों जूल पर सेकंड भी होता है, क्योंकि पावर बराबर किया गया कार्य अपान के क्या होता है, लिया गया समय। यह भी आपको पता होना चाहिए इनकी सबकी डेफिनेशन इकाई क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, जो एम्पलीफायर परिपथ संकेत की शक्ति का एम्पलीफिकेशन करता है वह पावर एम्पलीफायर कहलाता है ना, ठीक है। यह परिपथ वोल्टेज के साथ उसकी धारा भी एम्पलीफिकेशन करता है, तभी शक्ति में वृद्धि होती, क्योंकि P बराबर VI होता है, आपको पता होगा किस में होता है P बराबर VI, DC सर्किट में होता है, ठीक है, पता होगा आपको, ठीक है। तथा अगर AC सर्किट में बोलता है तो P बराबर जो पावर फैक्टर होता है ना, उसमें साथियों आपको पता होना चाहिए P बराबर VI cos phi आता है ना, याद होगा आपको अच्छे से, ठीक है। देखिए, डार्लिंगटन एम्पलीफायर क्या होता है, इसके भी बारे में पढ़ लेते हैं, भैया ने यहाँ पे दर्शाया है, तो ठीक है। देखिए, यह एक प्रत्यक्ष युग्मित डायरेक्ट कपिल्ड प्रकार का पावर एम्पलीफायर परिपथ है, जिसमें केवल एक ट्रांजिस्टर को प्रत्यक्ष इनपुट दिया जाता है और दूसरे ट्रांजिस्टर को प्रथम ट्रांजिस्टर के इमीटर से इन फेज इनपुट दिया जाता है, इस प्रकार, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, इनपुट संदर्भ में ट्रांजिस्टर श्रेणी में तथा आउटपुट संदर्भ में दोनों ट्रांजिस्टर समांतर में संयोजित होते, इसका उपयोग डिजिटल आईसी में किया जाता है तथा यह डीसी से 2.5 GHz आवृत्ति संकेतों का एम्पलीफिकेशन करता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पूछा गया होगा एक दो बार एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। देखिए कि यह एक उच्च वोल्टेज गेन वाले डायरेक्ट कपिल्ड प्रकार का एम्पलीफायर परिपथ है, यह डीसी तथा एसी दोनों प्रकार के संकेतों का एम्पलीफिकेशन करता है। कौन माय डियर फ्रेंड, पावर एम्पलीफिकेशन, देखिए इंपॉर्टेंट है, यह दोनों मतलब कि डीसी तथा एसी दोनों प्रकार के संकेतों का एम्पलीफिकेशन कर सकता है। कौन, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस परिपथ में इनपुट सिर्फ धन तथा ऋण होते, इसका धन को मतलब जो पॉजिटिव सिरा होता है उसको इनपुट प्रदान करने पर आउटपुट इनफेस तथा ऋण के सिरे को इनपुट प्रदान करने पर आउटपुट फेज 180 फेज अंतर होता है। इसका उपयोग मुख्यतः, देखिए इसमें दिखाया हुआ है, IC 741 741 में किया जाता है, जो 8 पिनों वाली DIP डबल ड्यूअल इनलाइन पैकेज IC है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, आगे मैं आप में जो साथियों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हर बार क्वेश्चन रिपीट हुए हुए जो फैक्ट इन्होंने निकाल के दिया है, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो करवा देता हूँ इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, चलिए देखिए इसमें लिखा हुआ है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, देखिए जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है साथियों, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख पा रहे आप इसमें, वह युक्ति जो समय के सापेक्ष किसी सिग्नल अभिलक्षण आयाम आवृत्ति को प्रदर्शित करते उसे क्या बोलते हैं साथियों, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा उसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप CRO। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तथा साथियों CRO का हृदय किसे बोला जाता है, CRT कैथोड्रो ट्यूब को बोला जाता है, आपको यह भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, कैथोड्रे ऑसिलोस्कोप के मुख्य भाग निम्न है, कौन से साथियों, इलेक्ट्रॉन
गेन असेंबली, डिफ्लेशन प्लेट असेंबली, फ्लोरोसेंट स्क्रीन तथा ग्लास एनवेलप, ठीक है, यह पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकाल के दिए हुए साथियों, ये देखिए एक बज गया था उसमें बेस्ट। ठीक है, आगे बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, इसमें देख पा रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे थे। कैथोड और ऑक्सीलोस्कोप के द्वारा एसी तथा डीसी के विभिन्न पैरामीटर जैसे कि समय, आवृत्ति, वोल्टेज आदि का मापन किया जाता है। क्वेश्चन उठ के आ गया कि बताइए निम्न में से किसे कैथोड ऑक्सीलोस्कोप के द्वारा एसी तथा डीसी के सिग्नल को मापा जा सकता है। तो उसमें आएगा साथियों समय, आवृत्ति, वोल्टेज आदि विभिन्न पैरामीटर को मापन किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा एसी तथा डीसी दोनों के लिए बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड कि सीआरओ की डिफ्लेशन सेंसिटिविटी का मात्रक काय में होता है। साथियों ये जो क्वेश्चन है ना हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, मिलीमीटर प्रति वोल्ट में पूछा जाता है। देखिए इसका जो होता है सीआरओ का डिफ्लेशन सेंसिटिविटी का मात्रक मिलीमीटर, इंग्लिश में ऐसा लिखिएगा, प्रति वोल्ट होता है। साथियों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीआरओ की डिप्लेशन सेंसिटिविटी का, जैसे कि आपको पता होगा साथियों ओम प्रति वोल्ट, जो वोल्ट मीटर की जो सुग्राहिता होती है, मुझे याद आ रहा है वोल्ट मीटर की सुग्राहिता होती है ओम प्रति वोल्ट में होती है। ठीक है, यह आपको पता होगा जो सेंसिटिविटी होती है ना सुग्राहिता, उसका मात्रक क्या होता है, ओम प्रति वोल्ट होता है। आपने जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा तो उसमें ऐसा आपको याद आया होगा। ठीक है, बाकी देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे, उसमें सी आर ओ की डिफ्लेशन सेंसिटिविटी का मात्रक मिली, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मिलीमीटर प्रति वोल्ट होता है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का सबसे पतला भाग कौन सा होता है। साथियों आपको साथियों चाहे दिन हो या रात, हमेशा यह बात याद होना चाहिए क्योंकि वह होता है सबसे पतला, तो देखने से ही आपको पता हो जाना चाहिए। पतला मतलब कि सबसे कम होता है, सबसे कम डोप्ड होता है कौन माय डियर फ्रेंड, इसका एक क्रम होता है आपको पता होना चाहिए। ई मीटर सबसे अधिक होता है, उसके बाद कलेक्टर होता है तथा उसके बाद बेस होता है। ठीक है, बेस मतलब कि आधार अपना, है ना, यह भी पता होगा। ठीक है, बेस होता है, देखिए ऐसा ये बनेगा। ठीक है, ये बेस आ जाएगा। सबसे अधिक किसको करते हैं, ई मीटर को करते हैं, क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। उसके बाद उससे कम डोपिंग किसकी होती है, कलेक्टर की होती है। उसके बाद किसकी होती है माय डियर फ्रेंड, बेस की होती है। इसीलिए सबसे पतला यहाँ लिखा है, ट्रांजिस्टर का सबसे पतला भाग बेस या फिर आधार होता है। सबसे अधिक बोलेगा तो ई मीटर आएगा, मध्य में बोलेगा तो कलेक्टर आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक वाहक क्या होगा बताइए साथियों, ये बोलना चाह रहा है। तो आपको पता होगा ना एनपीएन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा पीएनपी में क्या होता है, होल्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में कोटर बोलते हैं। तो ये माय डियर फ्रेंड आपको पता होगा, देखिए एनपीएन में लिखा है उन्होंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन तथा इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कोटर होल्स लिखा हुआ है, किसको पीएनपी में। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे जा चुके। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इसमें कि ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा भाग कलेक्टर इसने बताया, बाकी कलेक्टर नहीं होता। साथियों आप सबको पता होना चाहिए जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें सबसे अधिक क्या होता है, डोप्ड ई मीटर होता है। ठीक है, आपको पता होगा। उसके बाद अपना कलेक्टर होता है, मध्य में आएगा। ठीक है, तथा उसके बाद क्या होता है, आपको पता होगा, बेस होता है। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होते हैं। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अति आवश्यक क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखिए, अधिक पावर गेन के लिए कॉमन ईमीटर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। साथियों ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी हजारों बार पूछा जा चुका कि अधिक पावर गेन के लिए किस ट्रांजिस्टर का, कॉमन ईमीटर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, साथियों कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में भिन्न भिन्न प्रकार के लगे एलिमेंट जैसे कि RLC आपको पता होगा, प्रतिरोध, कैपेसिटर तथा इंडक्टेंस आदि को पैरामीटर कहते हैं, आदि को पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, कैथोड ऑक्सीलोस्कोप का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं माय डियर फ्रेंड, इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया, देख पा रहे हैं, टीवी रिसीवर, रेडियो, टीवी रेडियो, ट्रांजिस्टर चेक करने में, रडार की दिशा पता करने में, तथा एसी सर्किट की फ्रिक्वेंसी को पता करने तथा कोण मापने में किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी किया जाता है, यहाँ लिखा हुआ है, डायोड कैपेसिटर चेक करने में भी किया जाता है। ठीक है, RC दोलित्र भैया क्या करता है, यह
RC 2 लीटर ऑसिलेटर में धनात्मक फीडबैक प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आ रहा है अपना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है अपना कि 2 लीटर परिपथ में आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, बराबर क्या होगा, बराबर भैया 2 लीटर बराबर देखिए फ्रिक्वेंसी का सूत्र क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/2 RC में पूछा है ना, 1/2 π√ क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा दोस्तों, फ्रिक्वेंसी में है ना, कैपे RC में पूछा है तो। ठीक है, आगे आपको देखे ना होगा क्या बोलना चाह रहा है साथियों, क्वेश्चन अपना ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज के मध्य होती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है अपना कि टैंक परिपथ में मुख्य अवयव प्रेरक व संधारित्र होते हैं। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड, प्रेरक में क्या बोलना चाह रहा, देखिए L and C आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है अपना कि इनपुट प्रवर्धक में इनपुट कपलिंग कैपेसिटर होता है, जो प्रवर्धक एम्पलीफायर में इनपुट कपलिंग क्या होता है, कैपेसिटर होता है। आगे देखिए आदर्श प्रवर्धक का शोर गुणांक 0 डेसिबल होता है, जो आइडियल कंडीशन में प्रवर्धक होता है उसका शोर गुणांक 0 डेसिबल होता है। आगे देखिए साथियों, वह 2 लीटर जो जया तरंग उत्पन्न नहीं करता वह विश्रांति 2 लीटर कहलाता है। आगे देखिए क्वेश्चन आ रहा है अपना कि क्रिस्टल 2 लीटर में पिजो इलेक्ट्रिकल क्रिस्टल प्रयोग किया, साथियों ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस क्रिस्टल 2 लीटर में पिजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन है अपना, ट्रांजिस्टर गेन में कमी होने पर 2 लीटर दोलन करना बंद कर देता है। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा क्वेश्चन आ रहा, क्रिस्टल 2 लीटर स्थिर आवृत्ति होती है, साथियों 1 लाना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, क्रिस्टल 2 लीटर स्थिर आवृत्ति 2 लीटर है। आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि फेसशिफ्ट 2 लीटर में RC परिपथ होता है। आगे देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ट्रांजिस्टर होते हैं आपने देखा होगा NPN PNP ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, तो उनकी सोल्डरिंग में देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो ट्रांजिस्टर की सोल्डरिंग में 15 वाट से 35 वाट तक की सोल्डरिंग गन जो होती है अपना सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा, आपको यह एक क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसमिशन एलएन का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था PCB का फुल फॉर्म बताइए, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड उसका फुल फॉर्म होता है, ट्रांजिस्टर PCB सर्किट बोर्ड पर लगा जाता है, यह तो आंसर आपको दिया है यहाँ पे, बाकी इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, पता होगा आपको, एग्जाम दी होगी ट्रांसमिशन की तो आपने। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ट्रांजिस्टर निर्माण करने के लिए पी प्रकार, ठीक है, तथा एन प्रकार पदार्थ को 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर क्या किया जाता है, माय डियर फ्रेंड गर्म किया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांजिस्टर के अवयवों को किस आकार प्रदान के खोल में बिठाया जाता है, जिसे ट्रांजिस्टर सर्वेटर मतलब जिसमें बिठाया जाता है ना उसको क्या बोलते हैं वो पूछना चाहता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के अवयवों को किसी आकार प्रकार के खोल में बैठाया जाता है, जिसे ट्रांजिस्टर पैकेज कहते हैं। ठीक है, पैकेजिंग जो करते हैं ट्रांजिस्टर, वेस्टर्न के प्रकार जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं साथ ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, प्लास्टिक वेस्टर्न सिरामिक होता है, धात्विक वेस्टर्न तथा शक्ति ट्रांजिस्टर वेस्टर्न। ठीक, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन है अपना, इसमें बोला जा रहा है कि परिपथ में बाहर ट्रांजिस्टर का परीक्षण मल्टीमीटर किया जाता है, परिपथ में बाहर मतलब जैसे आपको चेक करना है तो आप जो मल्टीमीटर होता है ना उसकी सहायता से ट्रांजिस्टर का परीक्षण कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड, तथा परीक्षण में लगाने के बाद ट्रांजिस्टर परीक्षक नामक यंत्र से किया जाता है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कि तथा परिपथ में लगाने के बाद, परिपथ में जब परिपथ में नहीं हुआ तो मल्टीमीटर के द्वारा, तथा परिपथ में लगाने के बाद ट्रांजिस्टर परीक्षक नामक यंत्र से ज्ञात किया जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन आना चाह रहा है कि कंप्यूटर में घटनाओं की गिनती सेंसर की सहायता से की जाती है। ठीक, आगे देखिए CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वोल्टेज का पीक टू पीक मान प्रदर्शित करता है, कौन सा मान प्रदर्शित करता है, तो यह जो CRO होता है आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह मतलब कि उपकरण है, आप सबने देखा होगा, तो CRO साथियों पीक टू पीक मान का पीक टू पीक मान प्रदर्शित करता है। आगे देखिए 2 लीटर क्या होता है, इन्होंने बताया 2 लीटर RC लेटर का मुख्य कार्य फ्रिक्वेंसी बढ़ाना तथा अर्थात
यह डीसी को एसी में बदल देता है। कौन माय डियर फ्रेंड? कौन है भैया? दो लेटर होता है। फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता है तथा डीसी को एसी में परिवर्तित या फिर बदल देता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। दो लीटर एक फीडबैक युक्त प्रवर्धक होता है ना। आगे देखिए, हार्टले दो लीटर में फेज अंतर 180 डिग्री नहीं होता कि जिससे उत्पन्न दोलन जय तरंग आकृति से नहीं होते। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आ रहा है अपना। हार्टले दो लीटर में आवृत्ति के लिए सूत्र क्या होगा? ये हार्टले के लिए साथियों, तो यह भी पता होना चाहिए। देखिए 1/2π√LC आ रहा है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। फेज शिफ्ट RC दो लीटर और वैन ब्रिज दो लीटर में फ्रिक्वेंसी गणना के लिए साथी, ये जो फार्मूले है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार बराबर क्या, फ्रिक्वेंसी क्या बोलना चाह रहा है, दो लीटर फ्रिक्वेंसी क्या बोलना चाह रहा है, 1/2πRC। RC यहाँ पे है तो RC तो आएगा ना, का सूत्र प्रयोग किया जाता है। इन दोनों के नियम मान की आवृत्ति पैदा कर, नियत मान की आवृत्ति पैदा करते। ठीक है, आगे देखिए साथियों, रेडियो ट्रांसमीटर में कैलाश दोलित्र क्वेश्चन आते हैं साथियों, ऐसे कि देख पा रहे हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, देख पा रहे हैं। रेडियो ट्रांसमीटर्स में कैलाश दोलित्र प्रयोग किए जाते हैं, रेडियो ट्रांसमीटर में, और रेडियो रिसीवर में हार्टले दोलित्र प्रयोग किए जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आई होप कि आपको जो मैं वल्नरेबल क्वेश्चन अभी ये करवाया, कल मैं आपको कराऊंगा विशिष्ट ठोस अवस्था युक्तियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा कल का भी, तो जरूर देखिएगा। और साथियों, आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे कराया। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा गया है, दोलित्र भी पढ़ लेना यहाँ पे, ये सब है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये, है ना। तो साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को सेंड कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। माय डियर फ्रेंड, आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।